हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही डिफरेंट मेकअप प्रोडक्ट का मैं रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है मेटेलिक आई शेडो पेंसिल स्टिक है। और दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है ये उन सभी गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है जिनको आई शेडो लगाना पसंद होता है बट उनको ब्लेंडिंग्स करने नहीं आता है ब्रश से और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जब हमें जल्दी तैयार होना होता है। तो ऐसी गर्ल्स के लिए जो प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ही यूनिक एंड डिफरेंट है, बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और भी सारी बातें इस प्रोडक्ट बारे में आप लोगों को बताऊंगी। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ मैं आप लोग के साथ 5 आई शेडो स्टिक मैं शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें 2 शिमरी हैं और 3 इसमें मैट फिनिश वाले हैं। फर्स्ट जो शेड है, देख सकते हैं ब्लिश, जितने भी शेड हैं सारे शेड के जो नेम है आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। और दोस्तों, जैसा कि ये प्रोडक्ट को आप देख के समझ गए होंगे या फिर जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ, ये जो प्रोडक्ट है ये है के ब्यूटी से है। के ब्यूटी के मेटेलिक आई शेडो स्टिक हैं, इसमें टोटल 12 शेड आते हैं। 750 रुपये इनका प्राइस है बट ऑफर में अंडर 500 मिल जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है। अंडर 500 सिर्फ आपको एक ही प्रोडक्ट मिलता है जो कि थोड़ा सा एक मिडिल रेंज में आता है। बट जैसा कि मैंने बताया आप लोग से शेयर भी किया है कि ब्यूटी के मोस्टली सारे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। कि ब्यूटी और भी कई सारे प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा एक मिडिल रेंज में बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट होते हैं। अब बात करूँ दोस्तों ये प्रोडक्ट की, देख सकते हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्राउन एक न्यूड कलर है जो कि बेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और दोस्तों, ये जो मेटेलिक आई शेडो स्टिक है, सिंपली इनको आप जहाँ पे भी आई शेडो अपने आई एरिया पे जहाँ पे भी आपको प्लेस करना है, सिंपली इनको लगाइए। थोड़ा सा अपने हाथ से आप इनको हल्का सा ब्लेंड करने की ज़रूरत होती है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें कलर हैं, टोटल 12 कलर आते हैं, बहुत ही बोल्ड अच्छे अच्छे कलर हैं। और पिगमेंटेशन तो आप देख के समझ ही गए होंगे कितनी ज़्यादा बढ़िया इनकी पिगमेंटेशन है। और 100% ये स्मज प्रूफ हैं, ट्रांसफ़र प्रूफ है, बिल्कुल भी स्मज नहीं होते हैं। लास्ट में मैं इनका ट्रांसफ़र प्रूफ टेस्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट जो शेड है, देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक डार्क ब्राउन कलर है, कॉफ़ी कलर है। और दोस्तों, इसमें सारे ही शेड बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे हैं, कई सारे कलर हैं, आपको जो भी पसंद हो आप ले सकते हो। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि इनकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, इनको लगाना बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत सिंपली आप मतलब जस्ट अपने आईलेट पे आप अप्लाई करिए, हल्का सा अपने फिंगर से आप ब्लेंड कर लीजिए, ये ब्लेंड हो जाते हैं। और जब कभी भी हमें ऐसा कुछ ओकेजन आता है जहाँ पे हमें थोड़े जल्दी में तैयार होना होता है और हमें आई शेडो भी लगाना होता है बट हम लगा नहीं पाते हैं, टाइम नहीं होता है या फिर ब्लेंडिंग में हमें टाइम लगता है, तो ऐसे समय के लिए, ऐसे सिचुएशन के लिए, ऐसे ओकेजन के लिए इस तरह के मेटेलिक जो आई शेडो स्टिक होते हैं बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रेवल फ्रेंडली है, सामने आप देख ही सकते हो कि ये एकदम जैसे कि एक क्रेयॉन लिपस्टिक आती है उस फॉर्म में है, तो बहुत इजीली आप मतलब कहीं भी इनको लेके जा सकते हो बैग में। और नेक्स्ट जो शेड है, देखते हैं बेज फोकस, ये शेड का नाम है, ये भी एक डार्क ब्राउन एक न्यूड कलर है। सारे जो मैंने शेड लिए हैं, मैंने एक बहुत ही ज़्यादा एकदम सटल, बहुत ही ब्यूटीफुल से ये जो शेड हैं जो कि आई शेडो के लिए बहुत ही बढ़िया वर्क करते हैं। स्पेशली आप अगर आपको एक स्मोकी आई मेकअप करना है उसके लिए जो शेड हैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं। और जो स्मोकी आई मेकअप होता है ये मतलब पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने इस तरह के शेड मैंने सेलेक्ट किए हैं, देख के आप समझ सकते हो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सभी तरह के लुक पे ये जो स्मोकी आई लुक होता है चला जाता है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने शेड सेलेक्ट की है। इसमें और भी कई सारे शेड हैं, इसमें डार्क शेड भी हैं, सॉलिड कलर हैं, आप जो भी आपको पसंद हो आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जो शेड दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे आपको शिमरी, दो लास्ट की जो शेड है शिमरी शेड है, शेड का नाम है गोल्डन आर्ट, शेड का नाम आप देख सकते हो, ये एक गोल्ड सिमरी शेड है, जैसा कि नाम से भी आप समझ सकते हो। यहाँ पे जो कलर पे ऑफ देख सकते हो इंटेंस, मतलब इतना ज़्यादा इंटेंस कलर पे ऑफ है कि मतलब क्या ही बोलूँ मैं, सामने आप देख ही सकते हो कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल से कलर हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि बिल्कुल कहीं से भी स्मज नहीं होते हैं। इनको मैंने करीब 2 साल पहले इनको मैंने लिया हुआ था। वैसे दोस्तों, आई शेडो ये कुछ इस तरह का मेकअप है कि मैं पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं मतलब ये मेकअप मैं नहीं करती हूँ, कभी स्पेशल ओकेजन होता तभी मैं आई शेडो वगैरह मैं लगाती हूँ। तो और नेक्स्ट जो शेड देख सकते हैं कितना ज़्यादा मतलब पिगमेंटेड, कितना ब्यूटीफुल सा गोल्डन कलर है। और स्पेशली यहाँ पर जो ये सिमरी शेड है इनको मैं ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगी, ये जो शेड है आप ज़रूर ट्राई करिए, स्पेशली जो गोल्डन आर है, क्योंकि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा सिंपली आप अपने फ्रंट आईलिड पे ये जो सिमरी शेड है आप लगाइए, इंस्टेंट आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा एकदम ग्लैम आई लुक मिल जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। सामने आप जो शेड है इनको देख के समझ भी सकते हो कि
इनकी क्वालिटी कितनी ज़्यादा अच्छी है। के ब्यूटी के सारे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। नेक्स्ट जो शेड है देख सकते हैं बेयर मेटल, ये मेटल ये भी एक शिमरी शेड है। ये दोनों शेड मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, इनको ही सबसे ज़्यादा मैं अप्लाई करती हूँ जब भी कुछ स्पेशल ओकेजन होता है, मुझे कुछ नहीं समझ में आता है आई लुक में, सिंपली मैं इनको बस आईज के फ्रंट लिड पे मैं सिंपली इनको लगा लेती हूँ, मेरा काम हो जाता है बहुत बढ़िया सा, एक सटल मुझे आई लुक मिल जाता है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है और बिल्कुल स्मज नहीं होता है, ट्रांसफर प्रूफ ये है, काफ़ी देर तक ये टिके भी रहते हैं, 5 से 6 घंटा बिल्कुल हटने वाले नहीं हैं। और इनकी जो इंग्रेडिएंट है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मैंने लिंक दिया है प्रोडक्ट का, आप जाके नायका पे आप चेकआउट कर सकते हो। लास्ट शेड आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्राउन एक सिमरी शेड है। टोटल ये 5 जो शेड है मैंने स्मूथ आई लुक के लिए लिया था, आप शेड देख के समझ भी सकते होंगे। तो दोस्तों 5 ही जो कलर हैं ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, इनकी क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मस्ट हैव है। अगर आप उन गर्ल्स में हैं जिनको आई शेडो लगाने में प्रॉब्लम होती है, स्पेशली ब्रश से ब्लेंडिंग करने में आपको परेशानी होती है, तो ये जो आई शेडो स्टिक हैं आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो, इसमें कई सारे शेड अवेलेबल हैं और इनकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैंने काफ़ी इनको यूज भी किया हुआ है, तो मस्ट हैव है, आप जरूर ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो अगर थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फैशन ब्यूटी मेकअप आउटफिट आइडिया इस तरह के कॉन्टेंट मैं अपने चैनल पर डालती रहती हूँ, तो अगर इस तरह के कॉन्टेंट आपको देखना पसंद है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो जल्द ही मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ इसका ट्रांसफर प्रूफ टेस्ट भी इन सभी का देख लीजिए, बिल्कुल भी ये ट्रांसफर नहीं हो रही हैं, देख सकते हैं जरा सा भी स्मज नहीं हो रहा है। तो भाई जाहिर सी बात है ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं हमारे लिए बहुत काम के होते हैं, और स्पेशली अगर जहाँ हमें एक देर तक एक हमें आई मेकअप को संभाल के रखना होता है तो ऐसे ओकेजन के लिए, ऐसे सिचुएशन के लिए बहुत ही बेस्ट है, मस्ट हैव है, आप जरूर ट्राई कर सकते हैं।